फाइनली मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच ही गई हूँ। अब मैं आपके सामने वीडियो लेके हाजिर होंगी। थैंक्स, आप सबकी दुआ से मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई हूँ। वहाँ पर मैंने गार्डनिंग के संबंध में बनिंग बेयर हाउस में कई क्लासेस ज्वाइन की और उसमें मैंने काफ़ी नॉलेज गेन की। आज की मेरी वीडियो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में है। हमने 5x5 का पाँच फुट का गहरा खड्डा खुदवा लिया है। खाद बनाने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत है, घोड़ा बकरी गाय भैंस का गोबर लगभग 500 केजी, किचन वेस्ट 200 केजी, गार्डन वेस्ट 300 केजी, सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक 30 केजी यानी 30 किलो, नीम की पत्तियां निम्बोली 100 केजी, नीम की पत्तियां और निम्बोली 100 केजी, नीम की पत्तियों का बॉयल वाटर 50 केजी, बटर मिल्क का वाटर 50 केजी, गोमूत्र सादा पानी 50 केजी और काली मिट्टी 500 केजी, चूना बुझा हुआ चूना 50 केजी, ह्यूमन हेयर और सब प्रकार के पेट्स के हेयर 1 केजी। ऑस्ट्रेलिया की गार्डनिंग क्लासेस में मैंने सीखा कि हेयर में काफ़ी तरह के न्यूट्रेंट्स होते हैं। हेयर के डिस्पोजल का प्रोसेस स्लो है, बट जब ये हेयर डिस्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं तो कई तरह के न्यूट्रेंट्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले वाटरप्रूफ पॉलीथीन बिछा दिया। वाटरप्रूफ पॉलीथीन का मैट बिछा दिया है नीचे और उसके बाद अब एक लेयर गार्डन वेस्ट की और उसके बाद गोबर और इस तरह एक एक लेयर सभी चीज़ों की अब डालता है वो लड़का। ये नीम की निम्बोली, इसमें किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट और गोबर सब एक एक लेयर बनाकर और पानी का छिड़काव गौमूत्र का छिड़काव करके ये बहुत गहरा गड्ढा था वो भर दिया। अब लास्ट एक लेयर और बना के इसको बिल्कुल पूरा भर देती हूँ। ये नीम का बॉयल किया हुआ पानी, गोमूत्र बटर मिल्क
ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है। ये सारा मटेरियल डाल दिया इसमें, अब इसको पॉलीथीन से ढक देंगे, उसके बाद ये 6 मंथ में ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।